नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है लंबा इंतजार, एक अनकहा दर्द भाग दो। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। सिया को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो शेखर को टीना की सच्चाई कैसे दिखाए। टीना के बिन बताए कहीं चले जाने पर भी शेखर सिया को आज तक अपना नहीं पाया था, क्योंकि उसे लगता था कि सिया का रिश्ता उस पर जबरदस्ती थोप दिया गया है। वो दिखा देना चाहता था कि अगर उसकी माँ जिद्दी है तो वह भी जिद्दी है, नहीं अपनाएगा वो सिया को। लेकिन सिया को अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। वो अपने दिल में शेखर के प्यार का एक तरफा दिया जलाए हुए थी और उसे यकीन था कि एक न एक दिन शेखर का दिल उसके प्यार से जरूर पिघलेगा। आखिर उसकी मोहब्बत बचपन की शुद्ध मोहब्बत थी। उसने शेखर से निश्चल प्रेम किया था। शेखर के द्वारा बार बार दुत्कार दिए जाने पर भी वो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। लेकिन शेखर को लगता था जैसे उस घर में उसका कोई अपना नहीं था, सब अपनी ही जिद मनवाने में लगे हुए थे, इसलिए वो सबसे दूर भागता रहता था। टीना के बारे में सोच सोच कर मैथिली जी के सिर में दर्द होने लगा। सिया ने उन्हें चाय के साथ दवाई दी और बोली, माँ आप बिस्तर पर लेट जाइए, मैं आपके सिर में तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। आप थोड़ी देर सो जाइए तो आपको आराम मिलेगा। मैथिली जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जिसका बेटा अपनी माँ को ना समझ पाया, उसे कहाँ सुकून मिलने वाला है। सिया ने उनके सिर में तेल डालकर अपनी नरम उंगलियों से सिर की मालिश शुरू की। थोड़ी ही देर में आराम महसूस करती हुई मैथिली जी को मीठी सी नींद आ गई। सिया घर के बाकी के काम निपटाने लगी। तभी उसने देखा कि शेखर किसी लड़की का हाथ पकड़कर घर के अंदर आया और मैथिली जी को आवाज लगाते हुए बोला, माँ माँ देखो, मैं टीना को ले आया। यह सुनकर सिया वहीं की वहीं जड़ हो गई। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से प्राण निकलकर कहीं दूर चली जा रही हो और वह शून्य में देखती रह गई। आज उसकी वर्षों की तपस्या पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। बेटे की आवाज सुनकर मैथिली जी की नींद भी टूट गई और वह हड़बड़ा कर बाहर आई। शेखर के साथ टीना को देखकर उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह सोचने लगी, हे भगवान, जिस अनहोनी की आशंका थी आज वही हो गया। उन्होंने देखा कि सिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह दौड़कर सिया के पास गई और उसे सहारा देकर सोफे पर बिठा दिया। सिया किसी बुद्ध की भांति सोफे पर बैठ गई। मैथिली जी ने चीखते हुए कहा, शेखर तू इसे यहां क्यों ले आया? क्या तू भूल गया कि पवित्र अग्नि के साथ फेरे लेकर तू सिया को अपनी पत्नी मान चुका है? फिर इसे इस घर में क्यों लेकर आ गया? उन्होंने देखा कि टीना के होठों पर कुटिल विजयी मुस्कान थी। शेखर ने कहा, आपने भले ही सिया को जबरदस्ती मेरी पत्नी बना दिया, लेकिन मैंने आज तक इसे कभी भी पत्नी का स्थान नहीं दिया। उसकी बात सुनकर मैथिली जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। क्रोध से उनकी आंखों में पानी आ गया, उनके होंठ कांपने लगे। अभी वह खींच कर एक चाटा शेखर को रसीद करने ही वाली थी कि तभी अचानक से शेखर कटे वृक्ष की भांति धम्म से अपनी माँ के पैरों में गिर गया और उनके पैरों से लिपट कर उनसे माफी मांगने लगा। वो माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने कभी आपकी बात समझने की कोशिश नहीं की। हमेशा यही सोचता रहा कि आप अपनी मनमानी में जबरदस्ती मुझ पर अपना फैसला थोप रही हैं, इसलिए टीना के जाने के बाद भी मैं आपके फैसले के विरोध में खड़ा रहा, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि आप सही कह रही थी। उसकी बातें सुनकर सिया हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। टीना भी स्तब्ध रह गई। अब उसका चेहरा मलिन पड़ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शेखर यह सब क्या कहे जा रहा था। मैथिली जी भी हैरान थी कि शेखर को अचानक क्या हो गया। शेखर ने आगे कहा, आप लोग इतना हैरान मत होइए, आज टीना मुझे मेरे ऑफिस के सामने दिखाई दी तो मैं मन में ढेरों सवाल लिए उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। मैं जानना चाहता था कि वो अचानक मुझे अकेला छोड़कर क्यों और कहां चली गई। वह अपने घर के अंदर चली गई। मैंने जैसे ही उसके घर के अंदर कदम रखना चाहा, तो मुझे एक पुरुष का स्वर सुनाई दिया। वो हंसते हुए कह रहा था, मिलाई शेखर की माँ से,
क्या कहा उसने, वह पैसे कब देने वाली है? तो टीना ने जोर से हंसते हुए कहा, आज नहीं तो कल बुढ़िया पैसे दे ही देगी। आज तो वह मना करके चली गई, लेकिन मुझे पता है कि अपने बेटे को मुझसे बचाने के चक्कर में वो पैसों का इंतजाम जरूर कर लेगी। मेरा तो शुरू से ही प्लान था कि उससे शादी करके उसके परिवार पर दहेज मांगने का झूठा आरोप लगाकर उससे पैसे हड़पने हैं, लेकिन बिना शादी के ही जब उसकी माँ ने मुझे पैसे देने की बात की तो मैं भी मान गई और कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चली गई। लेकिन मैं एक बार में मानने वाली थोड़ी हूँ। अरे यह तो मेरा बिजनेस है, अपने बिजनेस से कोई कैसे गद्दारी कर सकता है? इतना बोलकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तब मुझे टीना की सारी सच्चाई पता चली। सच जानकर मेरा सिर घूमने लगा। मैं वही पास के मंदिर में जाकर बैठ गया और अपनी सारी गलतियों पर आत्ममंथन करने लगा। मुझे बहुत ग्लानि महसूस होने लगी कि मैं एक छलावे के चक्कर में सच्चे प्यार को ठुकरा रहा था। थोड़ी देर में टीना घर से बाहर निकली तो मैं सब बातों से अनजान बनकर उससे मिला। टीना मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और मैंने कहा, चलो आज मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। और टीना मेरी बात मानकर मेरे साथ घर आ गई। मैं यहाँ इसे इसलिए लेकर आया हूँ कि इसके सामने मैं आप सभी से माफ़ी मांग सकूँ और उसे यह बता सकूँ कि मुझसे सच्चा प्यार करने वाले लोग अभी इस दुनिया में मौजूद हैं, इसलिए तुम जैसी चालबाज और मक्कार लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने टीना के पास जाकर कहा, चली जाओ मेरी जिंदगी से और दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तब तक इंस्पेक्टर साहब आ गए। शेखर ने कहा, ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे, यही है वो लड़की जो मेरी माँ को ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस ने टीना को गिरफ्तार कर लिया। शेखर ने सिया का हाथ थाम कर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जिद में समझ ही नहीं पाया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। सारी सच्चाई जानते हुए भी तुम मेरी बदतमीजी सहती, मेरे बार बार दुत्काने पर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है ना, तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो मैं सिर झुकाकर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। सिया के आंखों में पानी आ गया। उसने सिसकते हुए कहा, ऐसा मत कहो, मैं तो तुमसे बचपन से ही बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे खातिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शेखर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब आगे से मैं कभी तुम्हारी आंखों में एक बूंद आंसू भी नहीं आने दूंगा, यह मेरा वादा है। मैथिली जी की आंखें खुशी से भर आई। आज शेखर वापस लौट आया था, उन्होंने इस समय अपने कमरे में चले जाना ही ठीक समझा। वो वहां से चली गई तो शेखर ने झट से सिया को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे पर एक चुंबन अंकित करते हुए बोला, मैं इस अनमोल प्यार की ज्योति को छोड़कर पागलों की तरह राह का पीछा कर रहा था। मेरे मन में यह जिद थी कि मैं जबरदस्ती की शादी क्यों निभाऊं। सिया ने प्यार से खनकते हुए स्वर में कहा, अब उन सब बातों को भूल जाओ, हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। सिया उसकी बाहों में सिमट गई। आज उसका लंबा इंतजार खत्म हो गया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।